तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों के पास Redmi 8A डुअल डिवाइस है और उसमें काफ़ी ज़्यादा बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, सो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी डिवाइस का जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा, आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला टिप देखने को मिलता है, तो आप लोगों को सिंपली कंट्रोल सेंटर ओपन करना है। वहाँ पर आप लोगों को लोकेशन का जो ऑप्शन है उसे ऑफ करके रखना है, और साथ ही साथ जब आप लोग अपना डिवाइस को यूज नहीं करते हैं, कहीं पर रखते हैं, अपने पॉकेट में रखते हैं, तो आप लोगों को अपना जो मोबाइल डाटा है उसे भी ऑफ करके रखना है। इसके साथ दोस्तों बैटरी का जो सेवर मोड है उसे भी आप लोगों को ऑन करके रखना है। इसके साथ दोस्तों आप लोगों को जो आपके बैकग्राउंड में ऐप्स रन करते हैं उन्हें आप लोगों को आपको डिवाइस यूज करने के बाद में उसे किल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपके डिवाइस का जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक जो है सेव होगा। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है SYNC सिंक, आप लोगों को सर्च कर देना है। सिंक ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को ऑटो सिंक डाटा का जो ऑप्शन है उसे आप लोगों को ऑफ कर देना है, जिससे आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होगा, जिससे आपका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और दोस्तों जब आप लोग अपने डिवाइस को चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये देख कर रखिए कि मेरा जो डिवाइस है वो 100% हो जाए। जैसे ही आप डिवाइस को चार्जिंग से निकाल दीजिए, नहीं तो आपका जो बैटरी है वो डैमेज हो जाएगा, तो आपके डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यही कुछ टिप्स थी, इसे आप लोगों को फॉलो करना, आपके डिवाइस में काफ़ी अच्छा जो बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद हो कृपया इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।